कोतवाली क्षेत्र की विवाहिता को दहेज के लिए किया प्रताड़ित, नंदोई पर छेड़छाड़ का भी आरोप। महिला थाने में पति नंदोई सहित ससुराल पक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज। चूरू के कोतवाली क्षेत्र की एक विवाहिता ने दहेज प्रताड़ना और छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए मंगलवार को महिला थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। महिला थाना सीआई सुखराम चोटिया ने बताया कि महिला ने रिपोर्ट दी कि साल 2017 में सीकर जिले के एक गांव निवासी व्यक्ति से उसकी शादी हुई थी। शादी के समय उसके पिता ने 35 लाख के सोने चांदी के जेवरात दिए थे, लेकिन पति सहित ससुराल पक्ष के लोगों ने फॉर्चूनर कार की मांग पूरी ना करने पर शादी के दिन इनकार कर दिया। तब उसके पिता ने 10 लाख रुपये शादी के दिन दिए थे। शादी के बाद कार की मांग को लेकर उसे परेशान किया जाता। शादी के कुछ दिनों बाद ही उसका पति उसे जयपुर ले गया, जहां उसका नंदोई बुरी नज़र रखकर उसके साथ गंदी हरकतें करते हुए छेड़छाड़ करता। पति को शिकायत करने के बावजूद भी नंदोई के खिलाफ कोई नहीं बोला। महिला ने आरोप लगाया कि उसके पति और नंदोई ने मिलकर उसका गर्भपात करवाने का भी दबाव बनाया, मना करने पर मारपीट की। सामाजिक पंचायत द्वारा समझाइश भी की गई, लेकिन उसके बाद भी उसे तंग परेशान किया जाता। अब उसका पति उसे अकेला छोड़कर चला गया। महिला थाना पुलिस ने आईपीसी की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।